hello munchkins welcome back to the channel my name is ocean your very own english master teacher or bacha आज की ये वीडियो ना उन सब बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है जिनको अपने एग्जाम से पहले अपने इंग्लिश सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना और मेक श्योर करना कि वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके बिकॉज इंग्लिश इज वन सा सब्जेक्ट जिसे हर बच्चा पता नहीं क्यों एंड मोमेंट तक इग्नोर करता है सो so अगर आप भी उन बच्चों में से हो जिसने इंग्लिश की किताबों को अभी तक हाथ तक नहीं लगाया है सो दिस इज गोइंग टू बी वन सेव वीडियो फॉर यू बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन कंप्लीट योर entire english syllabus in just 48 hours yes 48 hours all i'm going to demand from you और मैं नहीं बोल रही कि आपको 48 एट आवर्स तक कॉन्टिन्यूअसली पढ़ना है मैं बोल रही हूँ कि दो दिन चाहिए मुझे आपके सिर्फ दो दिन चाहिए जिनके अंदर मैं आपका ये सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाने की स्ट्रेटजी लेकर आई हूँ प्लस टूवर्ड्स दी एंड आपके लिए एक स्केड्यूल भी है जिसे फॉलो करके आप अपने स्टडीज को यू नो बैलेंस कर सकते हो अपनी नींद भी पूरी कर सकते हो स्टिल दो दिन में अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट भी कर सकते हो सो so, जल्दी जल्दी बेटा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इसको फॉलो करके स्ट्रेटजी को फॉलो करके डेफिनेटली आप लोगों के कुछ ना कुछ मार्क्स तो अच्छे से बच जाएंगे अगर आपने अभी तक इंग्लिश को बिल्कुल नहीं पढ़ा तब भी आप काफी डिसेंट मार्क्स स्कोर कर सकते हो दैट्स माय क्लेम नाउ मूविंग अहेड बच्चा बिफोर आई गेट इनटू द स्ट्रेटजी आई जस्ट वांट टू पुट आउट अ डिस्क्लेमर कि बेटा सी ये कोई तरीका नहीं है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज द की सो अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आएगा ये बस एक क्विक फिक्स है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक इंग्लिश को हाथ तक नहीं लगाया है सो so, आप अपने कोई भी दो दिन निकालिए सैटरडे संडे की छुट्टी या दिवाली ब्रेक में कोई भी अपने दो दिन लगा लिए और उसको निकाल के इंग्लिश को तैयार कर लीजिएगा एटलीस्ट आपको यू नो एग्जाम्स में पास ही होना है सो भाई कैसे करना है डे वन हम स्टार्ट कर रहे हैं सो डे वन में देखो हम कवर uh, करेंगे लिटरेचर के टॉपिक्स को अब हमने बहुत बार लिटरेचर के टॉपिक्स डिस्कस करे हुए हैं आपके दोनों किताबों के और अगर आप उन्हें काउंट करोगे ना तो आपके लिटरेचर के टॉपिक्स ना टोटल 25 निकल के आते अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर एक हर एक चैप्टर को पढ़ें समझें सो so, मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी आप हर चैप्टर से रिलेटेड वन शॉर्ट वीडियो देखना शुरू कर दो और वन शॉर्ट विडियो आपको हमारे चैनल पर आराम से मिल भी जाएंगे और हर वन शॉट वीडियो की ना मैक्सिमम लेंथ जो है वो ट्वेंटी मिनट सो ट्वेंटी मैक्सिमम एक चैप्टर की लिटरी डिवाइसेस अगर वो पोम है कैरेक्टर स्केचेस थीम सब कुछ करने में लगेंगे सिर्फ आपको निकालने क्या है बीस मिनट पर चैप्टर अब बीस मिनट पर चैप्टर निकाल रहे हो तो यानी एक आवर में आपके तीन चैप्टर हो पाएंगे तो मतलब ट्वेंटी फाइव कवर करने के लिए चैप्टर्स कवर करने के लिए आपको आठ से नौ घंटे तकरीबन चाहिए बिकॉज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप यू you नो know, लगातार पढ़ते ही रहोगे या कोई एक ऐसा चैप्टर नहीं होगा जिसमें आपको यू you नो know, उसको समझने की थोड़ी सी एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी या आप कहीं पर उसमें ब्रेक नहीं लोगे सो so, आठ से नौ घंटे आपको पहले दिन पढ़ना पड़ेगा एक साथ मत पढ़ना तीन से चार स्लॉट्स में डिवाइड कर लो इसे जहाँ पे आप पढ़ सको अब अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है ठीक है तब तो आपका वीडियोज देखे काम हो जाएगा बट अगर नहीं है कोई भी आइडिया प्लान तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी और पोम्स के लिए आप वन शॉट देख लो बिकॉज उसमें डायरेक्टली टेक्स्ट भी इंक्लूड हो जाता है सो so चैप्टर्स के लिए एनसीईआरटी कर लेना फिर और पोम्स के लिए वन शॉट कर लेना बट अगर चैप्टर्स को भी पढ़ते हो तब भी बीस मिनट से ऊपर का टाइम किसी चैप्टर को पढ़ने में नहीं लगेगा बिकॉज द स्टोरी इज अ वेरी शॉर्ट ठीक है, भाई मिनट हमने पर चैप्टर के लिए निकाले, और हम बोल रहे हैं आपको पहले दिन से नौ पढ़ना है तीन से चार लिटरेचर की दोनों आपको क्या करना है डे टू में आपको ग्रामर बचे हुए राइटिंग सेक्शन और आपको कही कहीं ना कहीं इंग्लिश के लिटरेचर सेक्शन की भी प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले ग्रामर को कवर करना पड़ेगा अब ग्रामर के होते हैं पांच टॉपिक्स ठीक है अब ये पांच टॉपिक्स को पढ़ने के लिए या तो आप कोई भी रेफरेंस बुक उठाओ और उससे रूल्स रिवाइज करना शुरू कर दो या तो आप मेरी वन शॉट वीडियोस देखो ग्रामर की सारी वन शॉट वीडियोस आ गई हैं और हर वन शॉट वीडियो में मैंने सारे रूल्स कवर करे हैं जो आपको एक टॉपिक से रिलेटेड चाहिए और कोई भी वन शॉट वीडियो मेरी तीस मिनट से ऊपर की नहीं है मैन इट कम्स टू ग्रामर सो so, यानी ढाई घंटे आपको लगेंगे ओवरऑल ग्रामर को कवर करने के लिए अब उसके बाद बारी आती है आपके दूसरी चीजों की अब ये ग्रामर आपने पढ़ तो लिया है बट इस ग्रामर को प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है सो आपको एडिशनली एक घंटा निकालना पड़ेगा उसकी प्रैक्टिस करने के लिए उसके बाद राइटिंग सेक्शन बचता है तो राइटिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन के के प्रैक्टिस लिए सेनादर आपको ढाई घंटे निकालने पड़ेंगे जहां पे आधे आधा घंटा आपको एक एक यू नो रीडिंग सेक्शन को करने में लग जाएगा एक डिस्कर्सिव पैसेज एक फैक्चुअल पैसेज और बाकी के आप डेढ़ घंटे में राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी डायरी एंट्री स्टोरी एंट्री स्टोरी राइटिंग की और अपने डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है आप अपनी रेफरेंस बुक्स को ही उठाओ वहां पे आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन क्वेश्चंस दोनों मिल जाएंगे और आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हर टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है इसके बाद रात को आपको दो घंटे निकालने पड़ेंगे अपने लास्ट के पांच इयर्स के पेपर्स के लिए प्रैक्टिस करने के लिए और उसमें सिर्फ लिटरेचर सेक्शन को प्रैक्टिस करना है नाउ आई अंडरस्टैंड सिंस यू आर इन क्लास नाइन्थ आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको नॉर्मली नेट पे नहीं मिलेंगे तो अगर आप सीनियर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो तो वेल एंड गुड जहां पर आप पांच यूनिट्स के पेपर देख लो या फिर आप रेफरेंस बुक उठाओ और रेफरेंस बुक में से आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करो या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करो ठीक है नाउ आई एम नॉट गोना आस्क यू कि आप बैठ के उन्हें प्रैक्टिस करो लिखो बिकॉज उतना टाइम नहीं है सो स्टार्ट रीडिंग देम ठीक है ताकि आपको एक फेयर आइडिया मिले कि कैसे कैसे क्वेश्चन हैं क्या क्या उनके अंदर करा जाता है कुछ कुछ वर्ड आप ग्रास्प कर सकते हो बट दो घंटे आपको निकालने पड़ेंगे एटलीस्ट अब ये सब करते कराते ना, आपके तब भी देखो दो दो चार पांच छह सा हां अप्रोक्सीमेटली आठ घंटे आपको यहां पर भी पढ़ना है सो हर दिन आपको अगर आठ आठ घंटे पढ़ोगे ना तब जाके आप दो दिन में अपना लिटरेचर का लैंग्वेज का अपने राइटिंग रीडिंग सब को कंप्लीट कर सकते हो नाउ आई अंडरस्टैंड ये चीज ना आपकी करनी बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल लग रही होगी सो so इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक स्केड्यूल लेकर आई हूँ जिसे फॉलो करके आप हर रोज आराम से आठ या नौ घंटे पढ़ सकते हो और पढ़ने के बाद भी आपके पास सोने का भी टाइम बचेगा आपके पास बाकी चीजें करने का भी टाइम बचेगा दैट्स इज माई बेट क्योंकि मैं बहुत ही बैलेंस वे में लेकर आई हूँ बस मेरी क्या शर्त है कि आप छुट्टियों वाले दिन से फॉलो करना ठीक है बिकॉज स्कूल टाइम पे तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते तो कोई भी सैटरडे संडे जब दो दिन की छुट्टी पड़े या दिवाली ब्रेक में दो दिन निकालो और इस इसकेड्यूल को फॉलो करो स्ट्रिक्टली एंड आई बेट यू कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा और आप कॉन्फिडेंटली फील करोगे तो स्केड्यूल कुछ ऐसा है बेटा जहां पे देखो मैं उठने का टाइम भी बहुत यू you नो know, जल्दी नहीं रख रही हूँ मैं आपको एक बहुत ही टाइम दे रही स्कूल से, उठो, उठो, से ग्यारह फर्स्ट स्टडी होगा ठीक है ये दो घंटे आपको लगातार कॉन्स्टेंटली पढ़ना है उसके बाद ग्यारह से साढ़े ग्यारह बजे आप एक ब्रेक ले सकते हो अगर आपने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं करा ब्रेकफास्ट कर सकते हो उसके बाद 1130, आपको अपने सेकंड स्टडी सेशन के लिए बैठना है अनदर टू आवर्स देख लो चार घंटे यहीं पर हो गए अब 1:30 थर्टी टू टू आप एक लंबा लंच ब्रेक ले सकते हो जिसमें आधा घंटा आपने खा सकते हो आराम से आधा घंटा आप रेस्ट कर सकते हो यू कैन क्लोज योर आईज एंड टेक अ क्विक कैट नैप अब ढाई बजे से साढ़े चार बजे तक आपको दोबारा पढ़ने बैठना है अपने थर्ड स्टडी सेशन के लिए छह घंटे निकल गए हमारे पता चल रहा है आराम से साढ़े चार से पांच बजे तक दोबारा से आप अपना एक ब्रेक ले सकते हो टी ब्रेक ले सकते हो थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो फिर पांच बजे से सात बजे तक अपने फोर्थ स्टडी सेशन में आपको बैठना है तो आठ घंटे आपके यहीं पर पूरे हो गए जिसके बाद सात बजे से नौ बजे तक आप आराम से अपना डिनर करो रिलैक्स करो यू हैव यू नो रियली वर्क हार्ड थ्रू आउट द डे और नौ बजे से दस बजे के बीच अगर आपका मन करे तो आप एक घंटा और निकाल के पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा आवर जॉब दे सकते हो नाइन्थ आवर आठ घंटे तो मैं आपको बोल ही रही हूँ कि आपको देने पड़ेंगे बट आई एम श्योर कि उससे ज्यादा टाइम आप लोगों को लगेगा ही लगेगा कहीं ना कहीं बिकॉज बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स वो मैंने बताए हैं सो उसके लिए आप रात को पढ़ सकते हो आप चाहो तो ग्यारह बजे तक भी पढ़ सकते हो जैसी आपकी श्रद्धा बट इस तरीके से आप इसे फॉलो करके आप नेक्स्ट डे दोबारा आठ बजे से अपना स्केडूल फॉलो कर सकते हो यू वुड स्टिल गेट अ गुड सेवन एट आवर्स स्लीप और आप अच्छे से रिफ्रेश फील करोगे आपको थकान भी नहीं लगेगी क्योंकि प्रॉपर ब्रेक्स हैं मील सब कुछ आप खा रहे हो एंड दिस इज वॉट यू नीड टू डू टू कंप्लीट योर इंग्लिश सिलेबस

Plus वहां पे हर हफ्ते अब हम वीडियो डाल रहे शॉर्ट्स डाल तो रहे टू कवर योर एंटायर सिलेबस chapters and poems in just 60 seconds so check out that as well the link is again in the description box and if you enjoyed this video hit the like button share it with your friends subscribe to the channel if you haven't done yet hasta la vista fir milenge bye bye